रोहित शेट्टी जल्द ही अपनी अगली फिल्म सिंघम 3 का काम शुरू करने जा रहे हैं। इस बीच उन्होंने खुलासा किया है कि दीपिका पादुकोण उनकी फिल्म में महिला पुलिस की भूमिका निभाती नजर आएंगी। दरअसल रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस का नया गाना करंट लगा लॉन्च हुआ, जहां रणवीर, दीपिका और रोहित शेट्टी तीनों लॉन्च पर पहुंचे थे। इवेंट के दौरान रोहित शेट्टी ने बताया कि वो जल्द ही सिंघम 3 के काम पर जुट जाएंगे। इतना ही नहीं, रोहित ने रिवील किया कि उनके पुलिस यूनिवर्स में अब दीपिका भी शामिल होंगी। ऐसे में अब सिंघम फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। रोहित ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पुलिस यूनिवर्स में महिला पुलिस के रोल में कौन निभाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि सिंघम 3 में दीपिका लेडी सिंघम के रोल में नजर आएंगी। हम अगले साल फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद रणवीर ने कहा कि दीपिका ने अब तक कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में उनका मिनम्मा का रोल मेरे लिए बेहद खास है। मैं रोहित शेट्टी और दीपिका के एक साथ काम करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूँ। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्म है। सिंघम फ्रेंचाइजी में अजय देवगन है लीड रोल निभाते। दीपिका भी इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने वाली है। फिल्म को 2023 के आखिर में रिलीज किया जा सकता है। दीपिका पादुकोण एक बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। वो जल्द ही शाहरुख खान के साथ एक बार फिर से नजर आने वाली हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जनता की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।